नमस्ते बच्चों, लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा अभिक्रिया वेग और औसत वेग की हमने बात करी थी। उसमें भाई अभिक्रिया वेग आपको समझ आ गया है, औसत वेग भी आपको समझ आ गया होगा। देखो, औसत वेग के आधार पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए वक्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य अभिक्रिया वेग दिए गए वक्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखो, ये आप एक ग्राफ बना लो। प्रारंभ में सांद्रता ज़्यादा, अंत में सांद्रता कम होती जाती है अभिकारक की समय, और ये सांद्रता यहाँ पर सांद्रता 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.06, थोड़ा दूर दूर ले उठे। .07, .06, .05, .04, .03, .01, .01 और 0। ठीक है भाई, सांद्रता T1 पर सांद्रता है 0.06, T2 पर सांद्रता है 0.02, ठीक है भाई 0.02। तो देखो, औसत वेग मैं आपको लिखा चुका हूँ, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो आपको पता है आर है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो परिवर्तन R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है भाई, R2 है आपका 0.02 माइनस 0.06 माइनस चिन्ह बाहर लगाओगे अपॉन आपका समय है, समय और नोट करो यहाँ पर, समय 5, 10, 15 और 20। ठीक है, समय आपका T2 समय कितना है 10 माइनस T1 समय कितना है T2 10 हो गया। T2 पर देखो, यहाँ पर T2 है, ये T1 है और ये R1 और ये R2। ठीक है भाई, तो आगे देखो, 0.04/5 कैलकुलेट करो इसको आप, तो क्या हो जाएगा भाई 4/5 × 100
पॉइंट हटाओगे तो ये नीचे 100 आ जाएंगे, भाग दो इसमें, पॉइंट 08, पॉइंट 08 माइनस का 2, पॉइंट 01 माइनस का 2, ये जीरो ऊपर जाएगी तो ठीक है। अब इसके पॉइंट हटाओगे तो आप ये हो जाएगा माइनस का 3, 8 इंटू 10, 10 के पावर माइनस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स। समझ आ गया भाई आपको? ये आ गया आपका औसत वेग, औसत वेग। एक बार फिर से समझ लो, आपको ऐसे ग्राफ दे दिया है उसने, ज्ञात करा रहा है औसत वेग। औसत वेग आपको यानी बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य, यानी बिंदु ए और बिंदु बी, यानी ए ये ए बिंदु है और ये बिंदु बी है के मध्य औसत वेग की गणना करो। अब आपको आपने सांद्रता मान ली भाई, आर वन सांद्रता आपने 0.0, आर वन जो सांद्रता मानी है आपने 0.06 मान ली, और आर टू जो सांद्रता मानी है आपने 0.02 मान लिया, क्लियर। अब औसत वेग क्या होता है? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर आप जानते हो, चूंकि डेल्टा आर बराबर आर टू माइनस आर वन होता है, ठीक है, और डेल्टा टी बराबर टी टू माइनस टी वन होता है, ठीक है भाई। तो इसको आप आर टू आपका कितना है 0.02, आर वन आपका 0.06, ठीक है। टी टू समय कितना है आपका 5 है, टी वन समय कितना है, सॉरी टी टू आपका है 10 और टी वन आपका है 5, इसमें घटाओगे इसको तो आ जाएगा 0.04, इसमें से घटाओगे इसको आ जाएगा 5। पॉइंट हटाने के लिए 5 इंटू 100 हो जाएगा, नीचे कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.8, 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगाओगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो आंसर आ गया भाई, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो देखो भाई औसत वेग क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं, ठीक है। और अभी या मैं आपको से कहूं कि अभिक्रिया वेग है वही क्या है? एक प्रकार का औसत वेग है, या वही औसत वेग है, क्लियर भाई। आगे नोट करो आप अगला क्वेश्चन, दिए गए सांद्रता समय के मध्य अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन नीचे दिए गए सांद्रता समय के मध्य दिए नीचे दिए गए सांद्रता समय के मध्य मध्य अभिक्रिया वेग मध्य अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करो। ज्ञात करो, ठीक है भाई। ग्राफ बनाओ, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में ज्यादा होती है, समय के साथ घटती जाती है, ठीक है भाई। सांद्रता 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ठीक है भाई।
0.02, 0.03 और 0.04। ठीक है भाई, प्रारंभिक सांद्रता T1 समय पर 0.04, अंतिम सांद्रता T2 समय पर ये 10, ये 10। ठीक है भाई, ये सांद्रता और ये समय। औसत वेग, औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, वही पहले वाला, तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इसको, ठीक है भाई। तो देखो R2 कितना है आपका 0.01 माइनस 0.01 माइनस 0.04 अपॉन T2 कितना है आपका 15, T1 आपका कितना है 5 है, तो ये 0.03 अपॉन 10, 0.03 अपॉन 10। तो लिखो इसको, इसके पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे, तो 3 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है भाई, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया। औसत वेग, औसत वेग, समझ आया भाई? ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ही आपको। तो दो क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको औसत वेग के, यानी औसत वेग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है भाई अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटा दो और अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा दो आप, तो आपको औसत वेग निकल आएगा भाई। ठीक है, औसत वेग। ठीक है भाई, आगे देखो, हेडलाइन डालो ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर क्या है, समझो इसे भाई। औसत वेग, वेग क्या है समझो, जैसे मैं मालेखड़े से आता हूं और आप मुझसे पूछो कि सर आपकी स्पीड कितनी रही होगी या वेग कितना रहा होगा आपका, किसी स्पीड से आप आए हो, तो मैं आपको जो बताऊंगा ना, मैं एवरेज स्पीड बताऊंगा आपको। क्यों कि जैसे मैं मालेखड़े से चला, तो वहां से जब चला तो मेरी स्पीड ये तो नहीं एक साथ ही 60 हो गई वहां पर, यानी यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो एक साथ ही वो 60 पर पहुंच गया, नहीं, वो पहले किस पर था, 10 पर था, फिर 20 पर आया, फिर 30 पर आया, फिर 40 पर, फिर 50 पर, फिर 60 पर, कहीं ब्रेक भी लगाए हैं तो वापस डाउन मीटर, यानी फिर 10 पर आ गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कहीं पर ब्रेक भी लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड है ना भाई, पहले बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, यानी कम और ज़्यादा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा जो कितनी स्पीड से आया हूँ मैं, तो मैं क्या बताऊंगा आपको, औसत स्पीड बताऊंगा। क्या बताऊंगा भाई, मैं औसत स्पीड बताऊंगा कि मेरी स्पीड जो रही है वो कितनी रही है, 55 या 60 के आसपास रही है। जो मैंने बताया है वो क्या है भाई, औसत स्पीड है, वो क्या है, औसत स्पीड है। लेकिन उसी समय मेरे किसी फ्रेंड का या फिर मेरे पिताजी का फ़ोन आ जाता है मेरे पास, वो मुझसे पूछे कि भाई बता, पूछे कि भाई राजेंद्र बता तेरी स्पीड कितनी है गाड़ी की, तो मैं तुरंत स्पीडोमीटर में देखकर बता दूंगा कि मेरी स्पीड कितनी है। जैसे मान लो मेरी स्पीड है 50, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी स्पीड 50 है, पिताजी मेरी स्पीड कितनी है, मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूँ या फिर मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ। उस क्षण जो मेरी स्पीड है वो क्या है, वो एक ताक्षणिक वेग है, यानी क्षण किसी क्षण मात्र पर जो स्पीड है
वो वेग वो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक स्पीड कहलाएगी, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। समझ आ गया भाई, ताक्षणिक वेग क्या है, किसी क्षण विशेष पर वेग ही ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर ताक्षणिक वेग ही क्या, किसी क्षण विशेष पर वेग ही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। आगे भाषण में, आगे भाषण में आपको तो देखो ताक्षणिक वेग क्या है भाई, ताक्षणिक वेग है किसी क्षण विशेष पर वेग है वो क्या है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो लिखो किसी क्षण विशेष पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। एक परिभाषा तो यह हुई, ठीक है भाई, एक परिभाषा तो यह है इसकी। और आप आपके जो नोट्स है उसमें भी परिभाषा आपको दी हुई है, सांद्रता समय वक्र में किसी क्षण बिंदु बी पर अभिक्रिया का औसत वेग ही उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी क्षण विशेष पर, वही बात आ गई, किसी क्षण विशेष पर जो वेग है वो क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो देखो, तो लिखो ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग बराबर लिमिट लगाओ आप, लिमिट, लिमिट डेल्टा टी से जीरो, डेल्टा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। या इसको मैं लिखूं ताक्षणिक वेग बराबर माइनस डी, भाई आपने किसके लिए, किसे किसके साथ लिया इसको, किसके सापेक्ष लिया आपने, आपने रिएक्टेंट के सापेक्ष लिया, तो आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, माइनस डी अपॉन डेल्टा, सॉरी माइनस डी आर अपॉन डी टी। इसी तरह और कैसे लिखोगे भाई, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, वेग बराबर प्लस डेल्टा, सॉरी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट लगाओ इसमें। ये तो मैंने लिखा आपको औसत वेग, ये क्या लिख दिया मैंने आपको औसत वेग, और औसत वेग को आप ताक्षणिक वेग में कैसे लिखोगे, ताक्षणिक वेग में कैसे लिखोगे आप इसको, लिखोगे लिमिट टी से जीरो, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी प्लस डी पी अपॉन डी टी। समझ आया भाई, यह है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग समझ आ गया ना भाई, किसी क्षण विशेष पर ताक्षणिक, किसी क्षण विशेष पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्षण विशेष की बात कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी भाई टी से जीरो, डेल्टा टी से जीरो। समझ आ गया भाई, तो ताक्षणिक वेग को आप एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी डी पी अपॉन डी टी, ठीक है भाई, ये ताक्षणिक वेग, क्लियर, ये ताक्षणिक वेग है। अब ताक्षणिक वेग को आप ग्राफ में दो, अभिकारक सांद्रता प्रारंभ में अधिक समय के साथ घटती है, आपको पता है। किसी क्षण यानी हम बिंदु बी पर ही बात करें, हम बिंदु बी पर जो वेग है वो क्या है, ताक्षणिक वेग डी टी और ये डी सी, ठीक है भाई, सांद्रता ये डी सी, डी टी ये समय है, ये समय, इस समय की बात कर रहा हूं, ये समय यानी जीरो से टी, और ये सांद्रता, ये सांद्रता, ये वाली सांद्रता, ये सांद्रता और ये समय है, ये समय है और ये सांद्रता है, ठीक है भाई। ये क्षण विशेष पर बी पर जो है सांद्रता और जो वेग है वो क्या है, क्या है वो ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक वेग को हम आप ऐसे भी लिख सकते हो डी सी अपॉन प्लस माइनस और डी टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। सी का मतलब क्या है भाई, सांद्रता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता। आगे भाषण में आपको